तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा वही वन पीस और ड्रैगन बॉल की मांगा का लास्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि इस लास्ट पार्ट में क्या होता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोग ने इस मांगा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना, वरना आज वाला पार्ट तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अब दोस्तों, नो मोर डिस्कशंस, अब जाते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। देखो यार, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गोकू पीछे देखता है तो पीछे नामी खड़ी होती है। वो गोकू को देखकर चिल्ला देती है तो गोकू बोलता है, मुझे माफ करना इसके लिए, मैं कुछ सेकंड्स में ही यहाँ से चला जाऊंगा। बट लूफी कहाँ किसकी सुनता, वो गोकू पर जेट पिस्टल से हमला करते रहता है और गोकू भी हैरान हो जाता है कि ये कौन सा हमला है जो मुझे इतना दूर फेंक देता है हर बार। तो अब दोस्तों यहाँ लूफी तैयार हो रहा होता है गोकू पर हमला करने के लिए। तो यहाँ गोकू कहता है, ओ बच्चे, तुम्हारी ताकत तो काबिल तारीफ है, तुम्हारी टेक्निक्स कुछ हद तक मेरी जैसी है, तुम पहले होगे जो उसे अपनी आंखों से देखोगे। तो लूफी बोलता है, चुप बैठो, ये जितना भी मैंने तुम्हें अभी दिखाया है ये तो कुछ भी नहीं है। लूफी अब गोकू पर हमला करते जाता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। लूफी नॉन स्टॉप अटैक करता जाता है और बड़े से बड़े हमले करता है गोकू पर, जब तक कि गोकू हारे ना। अब यहाँ गोकू भड़क जाता है और बोलता है, अब बस बहुत हो गया, कायोकेन। तो लूफी कहता है, कायो क्या? अब यहाँ गोकू लूफी को कुत्ते के माफिक मारते जाता है और लूफी की एक नहीं सुनता। अब यहाँ नामी आती है और लूफी को अदमारा देखकर डर जाती है। यहाँ गोकू बोलता है, मुझे कायोकेन की अब तक आदत नहीं हुई है, अच्छा ही होगा कि मैं इसे वापस इस्तेमाल ना करूं, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। नामी मन में सोचती है, लूफी सही कह रहा था, ये वही है जिसने शिप पर हमला किया। तो बाकियों का क्या हुआ? यहाँ गोकू लूफी को देखकर बोलता है, ये बच्चा अब नहीं उठेगा, मुझे यकीन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसे ज़्यादा चोट नहीं पहुँचाई है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया इन गांव वालों के बारे में। अब यहाँ लूफी अचानक उठ जाता है और सेकेंड गियर चिल्लाकर गोकू पर जेट गैटलिंग से हमला करता है और गोकू को इस बार जोरदार लगता है। तो गोकू कहता है, तुम्हारे हमले से बच सकता हूँ मैं अभी। बट अचानक लूफी रुक जाता है और सीधा गियर 3 ऑन करके गोकू पर हमला करता है और ये अटैक गोकू को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता। यहाँ लूफी एकदम छोटा सा हो जाता है क्योंकि उसने गियर 3 यूज किया है, ये बात तो हर वन पीस के फैन को पता ही होगी। अब यहाँ लूफी नामी को बोलता है कि शिप पर जाओ नामी और देखो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अब गोकू उठता है और सीधा कामेहामेहा लूफी पर बोल देता है, बट लूफी बड़ी आसानी से कामेहामेहा को गोकू पर ही फेंक देता है उसके गम गम बलून की हेल्प से। अब गाइस, गोकू के कपड़े फट चुके हैं, इसका मतलब तुम लोग समझ जाओ। अब गाइस, गोकू सीधा हमला करने लग जाता है लूफी पर, बट लूफी डॉच करता है और मारता है, तो गोकू भी उसके हमले को डॉच करता है। दोनों अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। गोकू यहाँ मन में बोलता है, अब मुझे पूरा यकीन है कि यही मेरा स्पायरिंग पार्टनर है, अब किंकाई को बुलाने का वक्त हो गया है, बस हो गया, ये बच्चा बहुत ताकतवर और जोशीला है। यहाँ गोकू को अचानक पीछे से सांजी लात मारता है, ये देखकर गोकू बोलता है, क्या सच में इतनी मार खाने के बाद भी ये अब लड़ सकता है? तब भी जोरो भी मौके का फायदा उठाकर गोकू पर अपनी तलवार चला देता है। अब यार, इसके नेक्स्ट पेज में तो फक गोकू का तवा कबाब बना दिया है ये लोग ने। फ्रैंकी यहाँ से मारता है, नामी उसका पोल से करंट दे रही होती है, उसके बाद चॉपर भी एक जोरदार मुक्का देता है, फिर रॉबिन भी गोकू को पकड़ लेती है। अब गोकू बोलता है, अब बस बहुत हो गया। गोकू सीधा राइट साइड में ब्लास्ट करता है और बोलता है, मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक और लो। जैसे ही गोकू एक और ब्लास्ट फेंकने ही वाला होता है, अचानक पीछे से उसॉप की आवाज आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो गोकू बोलता है, क्या वो सब भाग गए? तो उसॉप बोलता है, हाँ वो चले गए, पर तुमने कहा था कि तुमने हम पर हमला नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और क्या हो, पर तुम यहाँ से भाग जाओ और बंद करो ये पागलपन।
गोकू यहाँ सोचता है, ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया। सारे गांव वाले चिल्ला रहे होते हैं तो जोरो और सांजी बोलते हैं, आओ उनकी मदद करते हैं। ये देखकर गोकू बोलता है, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब मेरी गलती है। मैं तो पूरी तरह से भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। इतना लड़ने के बाद मैं तो सेंस की तरह बर्ताव करने लगा। अब गोकू यहाँ अपना कायोकेन टाइम्स 2 यूज करता है और जो ब्लास्ट से उसने आग लगाई होती है उससे वो बुझा देता है। यहाँ सांजी ये देखकर कहता है, क्या उसने आग को हटा दिया? तो जोरो कहता है, लगता तो है, और अब वो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। यहाँ चॉपर बोलता है, सच बोलू तो लूफी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो जोरो और सांजी एक साथ बोलते हैं, क्या? अब गोकू यहाँ बहुत थक चुका है और बोलता है, ये मेरे लिए बहुत हो गया है, कायोकेन टाइम्स 2 के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, अब घर जाने का समय हो गया है। किंग काय, पोर्टल को खोल दो। अब यहाँ गोकू जा ही रहा होता है, लूफी उसे कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, मैं उम्मीद करता हूँ हम किसी दिन वापस लड़ेंगे और उस दिन मैं ही जीतूंगा। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं और गोकू पोर्टल में चल देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किंग काय गोकू को कहता है, ओ गोकू तुम वापस आ गए और तुम्हें बहुत चोट लगी है। तो गोकू कहता है, ये इतना आसान नहीं था। तो किंग काय कहता है, तो बताओ गोकू, वाइट बियर्ड के साथ तुम्हारी लड़ाई कैसी रही? तो गोकू कहता है, क्या, किसके साथ? ये लास्ट का ट्विस्ट अच्छा लगा। एक्चुअली गोकू का ओपोनेंट वाइट बियर्ड था, बट गोकू पहुंच जाता है लूफी के शिप में। तो अब गाइस, ये मांगा का एंड हो चुका है, तो आप लोगों को एंड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब बस आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, अरिगातो।